नदी की धारा आप देखिए, बागमती नदी जो नई धारा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। बागमती की यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जलस्तर में वृद्धि के बाद और जलस्तर में कमी के बावजूद नदी जो है सो लगातार कटाव कर रही है। नदी के आप देख पा रहे हैं कि जो धारा आगे की तरफ जा रही है, दाहिने तरफ की मिट्टी को काट करके बाएं तरफ फेंका गया है और नदी के किनारे में जो है सो मिट्टी भराव की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मिट्टी भरी हुई है। मिट्टी और बालू दोनों जो है भरी हुई है और यह स्थिति आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी मेर है और धारा काफ़ी तेज है। तेज धारा होने की वजह से जो है सो लगातार कटाव की स्थिति बनी है। पानी आप देख पा रहे हैं कि इसमें मिश्रण ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा दिख रहा है। यह इस बात को दस्तिक करता है कि यहाँ पर जो ज़्यादा बागमती कटाव कर रही है। यह नई धारा बताई जाती है। बसघट्टा में जो पुल बनाया गया था, आपको याद होगा कि बसघट्टा में जो पुल बन रहा था कुछ सालों पहले धंस गया था, जिसके बाद नई पुल बनाई गई थी यह धारा में। और यह जो तस्वीर है आप देख पा रहे हैं कि नए पुल पर हम हैं और यह तस्वीर आप देखेंगे कि नए पुल के नई बागमती की धारा कि देखिए कि इसमें जलस्तर में वृद्धि हो रही है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले जो है सो जलस्तर में कमी की बात कही जा रही है, लेकिन कटाव उतना ही तेज़ है। और तस्वीर में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि लगातार कटाव की वजह से किनारे का जो ज़मीन है वो खिसकता जा रहा है और इस पार की ज़मीन उस तरफ और उस पार की ज़मीन उस तरफ लगातार बनती जा रही है। कटाव हो रहा है कि नहीं नदी में? हो रहा है, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से घट भी जाता है। अच्छा, बहुत तेज़ी से आता है जो वो सभी तरह डूब जाता है। अच्छा, तो घंटों में नदी उपट जाता है? जी जी, जब बाढ़ जो बढ़ने लगता है ना जी, तो बहुत ज़्यादा पूरा फुल हो जाता है। जब मुझे कमने लगता है तो पूरा कम जाता है पूरा। अभी दो तीन दिनों से कम रहा है जी, लेकिन कटाव तेज़ी से कर रहा है जी जी। तो ये नई बागमती हुई जी, जो है मिलावट है आगे मिलावट जी। तो चूंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि बागमती नदी जो है सो पुरानी धारा में यह नदी मिलती है, लिहाजा कई लोग इसको लखनदेई के नाम से भी जानते हैं और कई लोग बागमती की नई धारा के नाम से जानते हैं। पुराने लोगों का बताना है कि बागमती की यह नई धारा है क्योंकि पुरानी धारा में मिलती है और उसी से कट हो करके जो है सो इस तरफ जाता है। आगे कौन कौन गाँव है? आगे इधर बसघट्टा इधर आ रहा है, इधर पसौल आ रहा है, खौरा आ रहा है, ये सब आ रहा है। सारे जगह पानी तबाही मचाता है जी सर जी। पानी तो मतलब इधर क्या बोलता है, फसल भी किसान को नहीं होने देता है। इस सीजन भी मतलब कि धान होने वाला है, धान का पूरा डूबा, मतलब हम सब क्या कर देंगे, रोपेंगे उपेंगे क्या कर सकते हैं। पानी ज्यादा आने की वजह से सब डूब जाता है। तो यही धारा आगे जा करके चौर के हिस्से में चली जाती है जी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बागमती की नई धारा की यह तस्वीर है। नदी का कटाव, नदी की तबाही यहाँ के बासिंदों को परेशान करता है, खास करके खेती किसानी ज़्यादा चौपट हो रही है और कटाव की वजह से आसपास का जो ज़मीन है वह भी जमींदोज होता जा रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दीपक कुमार तिवारी, ए टू जेड न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर बिहार।